الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں جی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरा वाजिब अल-एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों अल्लाह ताला का हम सब पर बड़ा एहसान और बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सबको अता फरमाया। बड़े खुश नसीब हैं हम सब कि अल्लाह ताला ने हम सब को रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई और हम सब ने ईद की नमाज भी अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अहादीस मैंने आपके सामने पेश की थी कि जब मुसलमान ईदगाह से ईदुल फितर की नमाज़ पढ़कर निकलता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर फ़ख्र करते हैं कि किस तरह तमाम मुसलमानों की मग़फ़रत हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तमाम मुसलमानों की मग़फ़रत कर दी। सिर्फ़ मग़फ़रत का ऐलान नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने मुसलमानों की जो बुराइयां थी उन बुराइयों को ख़त्म करके नेकियों में तब्दील कर दिया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से हम सब पर कितना बड़ा इनाम है और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो बुराइयां थी उन बुराइयों को मिटाकर उन बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। एक अल्लाह वाले फरमाया करते हैं कि हम सब को अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन सब मराहल से गुजारा है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर हम अपने आमाल की तरफ देखें ना तो हमारे आमाल क्या हैं, हमने किस तरह आमाल किए हैं ये हम सब जानते हैं। न हमसे रोज़े का हक अदा हुआ, न हमसे तरावियों का हक अदा हुआ, न कुरान करीम की तिलावत का हक अदा हुआ, न सही मानों में ज़िक्र का हक अदा हुआ, न रमज़ान का हक अदा हुआ। रमज़ान का एहतराम भी सही मानों में हमसे नहीं हुआ। लिहाजा अगर हम अपनी इबादत की तरफ़ देखें
तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन जिस ज़ात ने हमें आमाल की तौफीक अता फरमाई, उस ज़ात की रहमत की तरफ़ देखें, उसके करम की तरफ देखें, तो फिर बल्कि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। जब अल्लाह ताला ने हम सब को रोज़ रखने की तौफीक अता फरमा दी, तरावी की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी, तो ये आमाल हमारे बस में नहीं थे। इंसान आमाल अपनी कोशिश से नहीं करता, नेक आमाल की तौफीक जब मिलती है, जब इंसान कर गुज़रता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर आमाल की तौफीक अता फरमाई। जब अल्लाह ताला ने हम सब को आमाल की तौफीक अता फरमा दी, तो फिर क्यों ना हमें अल्लाह ताला की रहमत की तरफ देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें आमाल की तौफीक अता फरमाई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो आमाल भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेंगे। हमें हर हाल में ये फिक्र होनी चाहिए कि वो इबादत जो अल्लाह ताला की बारगाह में, कौन सी इबादत और किस तरह इबादत है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि किसी इबादत की कबूलियत की अलामत यह है कि जब उससे अगली इबादत की तौफीक मिल जाए। आपने जोहर की नमाज पढ़ी, आपको असर की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो गोया कि आपकी पिछली नमाज कबूल हो गई है। आपने रोज़ा रखा और रोज़ा के बाद फिर रोज़ा रखने की तौफीक मिल गई, तो गोया कि आपके पिछले रोज़े अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो चुके हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला के बारगाह में हमारी इबादत कबूल होती रहती है। अगरचे हमारी इबादत नाकसी क्यों ना हो, लेकिन इबादत की तौफीक, हम ये सोचें कि इबादत की तौफीक किसकी तरफ से मिल रही है। हमें इबादत की तौफीक रब की तरफ से मिल रही है, तो जब तौफीक उसे न दी है, फिर नाकसी हो, फिर अल्लाह ताला अपने रहमत से उसको कबूल फरमा लेंगे। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि हमेशा हम नाकिस ही रहेंगे, हम कामिल नहीं हो सकते, ना ही हमारे आमाल कामिल हो सकते हैं, ना ही हमारी इबादत कामिल हो सकती हैं। क्यों? कि कामिलों के कामिल सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो सारी सारी रात खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे, सारी सारी रात खड़े होने की वजह से पाँव पर वरम आ जाते थे, वो ये फरमा रहे हैं कि माँ आबद नागा हक इबादतिक, माँ आरफ नागा हक माँ आरफ अदिका, कि या अल्लाह हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। इतनी लंबी इबादत करते थे, सही सही रात खड़े रहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि या अल्लाह हमसे तेरी इबादत का हक अदा नहीं हो सकता, हमसे तेरी मारफत का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन हम जो हैं तो हम कहाँ हैं, हमारे यहाँ तो ना अली के अलावा कोई हक नहीं है, कोई काम नहीं है। तो हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं सोचना है कि यार, बल्कि हमें तो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ देखना है। अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत की तौफीक अता फरमा दी है, तो ज़रूर बज़रूर उस इबादत को कबूल भी फरमाएंगे। अगली बात यह है कि जहाँ तक हमारी कोताहियों का ताल्लुक है, इबादत के अंदर हमसे कोताहियाँ हो गई, गलतियाँ हो गई, उसका भी इलाज बताया है कि जब किसी इबादत में तो कोताही हो जाए, गलती हो जाए, तो उस तौफीक पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो,
कि या अल्लाह तूने मुझे इबादत की तौफीक अता फरमाई, तेरा शुक्र है। और इबादत के अंदर जो कुताहियाँ हो जाए उस पर इस्तग़फ़ार करो। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जिन इबादत को अदा करने की तौफीक अता फरमाई थी, अब उन पर शुक्र अदा करने का वक्त है। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि ये बात बड़ी याद रखने की है। फरमाया करते थे कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जहाँ और बेशुमार इनामात रखे हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने ये तरावी की नमाज रख दी है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ाना हमें तरावी की नमाज पढ़ने की तौफीक मिली। ये तरावी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा अजीब गरीब इनाम है, इसलिए कि तरावी के अंदर रोज़ाना 20 रकते और 40 सजदे मिलते हैं। 20 रकते रोज़ाना इजाफी और 40 सजदे रोज़ाना इजाफी। ये सजदा वो चीज़ है कि बंदे के लिए अल्लाह ताला से करीब होने के लिए सबसे बड़ा मकाम है। बंदे के लिए सबसे ज़्यादा करीब होने के लिए सजदा वो मकामात है कि इंसान को अल्लाह ताला के सबसे करीब कर देता है। बंदा अपने परवरदिगार से जितना करीब सजदा की हालत में होता है, इतना किसी और हालत में नहीं होता। सबसे ज़्यादा क़ुर्ब इंसान को सजदे की हालत में मिलता है। तो बाज़ औक़ात हमारे सजदे गफलत में चले जाते हैं और हमें सजदे का लुत्फ का पता नहीं चलता। जो अल्लाह ताला ने हमें इस सजदे में अता फरमा रहे हैं, हमें उस बात का पता नहीं चलता कि सजदे में इंसान को लुत्फ क्या मिल रहा है। लेकिन एक वाक़या, अल्लाह ताला बंदे को सजदे में अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमाते हैं। सूरत अलक के अंदर, सूरत अलक की आखिरी आयत में सजदा है कि और सजदा तिलावत किया जाता है कि सजदा करो और मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। मतलब यह है कि जब तुम सजदा करोगे तो सजदा करते वक्त तुम्हें मेरा क़ुर्ब हासिल हो जाएगा, गोया कि तुम्हें अपने करीब ले लूँगा। और इस क़ुर्ब का जो लुत्फ है वो अल्लाह ताला को, अल्लाह वालों को नज़र आता है। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, हज़रत शाह फजल रहमान साहेब गंजे मुरादी उनका मशहूर है, बड़े मशहूर औलिया अल्लाह में से हैं। फरमाते हैं कि हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ियारत के लिए गए। तो हजरत फरमाते हैं कि जब मेरे करीब हुए तो वो अल्लाह वाले फरमाने लगे कि हकीम शाह अशरफ अली कि जब मैं सजदे में जाता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे प्यार कर लिया हो। अब सजदे का लुत्फ वही ले सकता है, उसी को हासिल हो सकता है जो इंसान सजदे की हालत में अपने आप को ऐसा महसूस करे कि मैं अल्लाह ताला के कदमों में पड़ा हूँ। सजदा कोई आम इबादत नहीं है, ये वो अल्लाह ताला के बंदे हैं जिनको सजदे की हालत में क़ुर्ब की लज्जत महसूस हो रही है। हम भी सजदे करते हैं, हम भी देख रहे हैं हमने अपने ज़िंदगी में कितने सजदे किए, कभी हमें कुछ महसूस हुआ? जिस वक्त ये हमारी पेशानी टिकती है और बंदा सुबहान रब्बी अल्लाह कहता है कि या अल्लाह मैं तो तेरी चौखट पर सर रखे हुए हूँ और ऐ मेरे परवरदिगार तू आला ही आला है, जिस वक्त बंदा ये कहता है तो बस उस वक्त क़ुर्ब का आला तरीन मकाम हासिल हो रहा होता है। और सजदे की हालत में उस वक़्त बंदा अपनी पेशानी ज़मीन पर रगड़ रहा होता है कि सारी कायनात उसके नीचे होती है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि वो शायर भी थे कि मैं जब सजदे में सर रख दूँ
कि मैं जब सजदे में सर रख दूँ तो ज़मीन को आसमान कर दूँ। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता तुझे निजात। तो सजदे की अहमियत हमारे अंदर बैठ जाए। अगर हम सजदे में हैं, बाज़ दफ़ा हमारी इबादत के अंदर गफलत होती, इंसान सजदे में होता है लेकिन सजदे में होने के बावजूद इंसान का दिल और दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। अगर इंसान हर सजदा तवज्जो की हालत में करने लग जाए तो उसको सजदे का मज़ा हासिल होने लग जाएगा। अपने आप को ऐसे महसूस करेगा कि मैं तो रब के बड़े करीब हूँ, लेकिन चूँकि हम रुकू में हैं तो हमारे ख्यालात कहीं और भटके होते हैं। हम क़याम की हालत में खड़े हाथ बांध कर रब के सामने खड़े हैं, फिर भी हमारी तवज्जो नहीं होती। सजदे में है फिर भी तवज्जो नहीं होती। तो ये हमारी जो गफलत, यही जो हमारी कुताही है। और फरमाया कि जब तुम इबादत कर लो तो इबादत के बाद अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया करो कि या अल्लाह आपने हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई लेकिन हमसे उसकी कदर ना हो सकी, हमसे उसका हक अदा ना हो सका, हमने गफलत की हालत में उस नेमत की कदर ना की, आए अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। इस्तग़फार जो है इंसान की कुताहियों को ख़त्म करने वाला। जब इंसान इबादत के बाद इस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो तुमने गफलत में इबादत की थी, गफलत की हालत में सजदा किया था, मैंने उसको सही हालत में तुम्हारे नाम अमाल में लिख दिया। तो वो जो ईदगाह वाली हदीस हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं कि मेरे मजदूर, इन्होंने मजदूरी पूरी कर ली है, जो मैंने इनके ज़िम्मे काम लगाया था इन्होंने काम पूरा कर लिया है, अब मैं इनको पूरा पूरा सिला अता कर दूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी शान की कसम, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम है, मैं इनको ऐसे वापस भेजूँगा जब ये ईद की नमाज पढ़ कर वापस जाएंगे तो मैं इनको ऐसे भेजूंगा, इनके सारे गुनाहों को मिटाकर नेकी में तब्दील कर दूंगा, वो ऐसे वापस भेजूंगा जैसे अभी ये माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अब ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी नया नया गुजरा है और हमने वो काम किए हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिस काम की खातिर अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। और दूसरी बात यह है कि रोज़े के बारे में फरमाया कि तुमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो आपसे रोज़े रखवाए हैं उस रोज़े रखवाने का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रखना नहीं था, बल्कि रोज़े इसलिए रखवाए कि तुम्हारे अंदर गुनाह छोड़ने की आदत पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। असल अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करना मकसूद था। कि रमज़ान मुबारक गुजर जाने के बाद देखो हमारे अंदर गुनाह छोड़ने का कुछ ना कुछ कुव्वत पैदा हुई है कि नहीं हुई। अगर हम तकवे का आला मयार देखें तो वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ईमान की वजह से इंसान के अंदर गुनाह छोड़ने की आदत हो जाती है इंसान को। रमज़ान मुबारक के अंदर शैतान कैद में होते थे, गुनाह छोड़ना आसान, नेकी करना मुश्किल हो जाता था। गुनाह छोड़ना भी आसान, नेकी करना भी आसान। अब जो कि शैतान छूट गया है तो इंसान के लिए गुनाह करना आसान है और नेकी करना मुश्किल है, क्योंकि शैतान भी इंसान को अपनी तरफ घसीटता है। फरमाया कि रमज़ान मुबारक के अंदर पूरे महीने में आप जिस कोरस से गुजरे हो, जिस काम से गुजरे हो, हाँ जी, अगर वो काम तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत आया है तो उस काम से फ़ायदा उठा लो।